बिहार के लोगों में दो खास बात होती है, एक तो रंगदारी से अपना काम निकलवाना और दूसरा ब्रेकअप के बाद यूपीएससी क्रैक करना। अब यह सब बातें कहाँ तक सही है ये हम नहीं जानते, पर इतना जान गए हैं कि अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाओगे और कड़वी बातें करोगे तो कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। हाँ, बस कुछ लोग। वैसे ही है हमारे बिहार के जाने माने शख्सियत जिसे आप सन ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूबर उर्फ पत्रकार मनीष कश्यप की, जो कि पेशे से एक सिविल इंजीनियर हैं, जो कि अगर चाहते तो अपने जीवन में चुपचाप समाज के कमियों को नज़रअंदाज करते हुए एक बहुत अच्छी लाइफ बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। हर वो चीज़, हर वो जगह जहाँ पर कोई अपराध होता, वहाँ माइक लेकर मनीष कश्यप जाता था। वहाँ पर कोई मंत्री या अधिकारी नहीं जाता था, न पक्ष का न विपक्ष का डर, निडरता के साथ सच्चाई को लोगों के सामने रखते थे। अरे, उनके जैसा डेयरिंग पत्रकार 100 में से मुश्किल से एक या दो होगा। अब चाहे वो सीटेट हॉल में चलते मीटिंग के बीच में मैनेजमेंट से करवे सवाल पूछना हो। तो कर क्या रहा है वो बताइए पहले। क्या किस लिए मीटिंग हो रहा है? कौन सा यूनिवर्सिटी है ये? कितने साल कोर्स लेट है? सैलरी मिलता है कि नहीं समय पे आप लोगों को? मिलता है कि नहीं? देखिए, ये देखिए, सब लोग चिल्लाने लगे, सब लोग चिल्लाने लगे। देखिए देखिए, हाँ बढ़िया है। ये देखिए, ये सीनेट हॉल में है हम लोग। या अधिकारी के बगल में बैठ के करवे सवाल करना हो। 20 साल से डूबता है, उसके लिए कोई विधायक नहीं दोषी है, उसके लिए ये आदमी दोषी है। लेकिन ये 20 साल से बैठे हैं और इनके द्वारा बनाया हुआ एक भी नाली सही नहीं है। सिविल इंजीनियर ये भी होंगे, मैं भी सिविल इंजीनियर हूं, इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। पूरे बेतिया का बेंचमार्क लेवल क्या है नाला? भले उनकी जवान कड़वी थी, भले वो कटाक्ष बोलते थे, लेकिन उनका दिल कड़वा नहीं था। कि सर, आपके पास 2 मिनट समय होगा क्या? नहीं, मेरी बानी इतनी कड़वी होती है ना? नहीं, ऐसी ही है सर। नहीं नहीं सर, मैं आपका बॉस। अरे, आज मनीष कश्यप जेल में है। अगर वो बिहार के ना होकर किसी दूसरे राज्य के होते और ऐसा होता तो वहाँ के मुख्यमंत्री बचाव में अब तक कुछ न कुछ कदम उठाए होते, लेकिन भाई साहब ये तो बिहारी है। अरे, उनका सपना था कि बिहार स्टेट को प्रोग्रेस कराना, इतने पीछे क्यों रह गया, आगे कैसे जाएगा? अगर आज वो बंदा जेल में भी है तो किसी के मर्डर केस में नहीं है, तो बस इसलिए कि उन्होंने बिहार के मजदूर के साथ दूसरे राज्य में हो रहे अत्याचार पर एक वीडियो बनाई थी। बाद में वो वीडियो को फर्जी बताया गया। मैं फिर से बोलता हूँ, फर्जी बताया गया था या नहीं था ये सभी जानते हैं। क्यों जा रहे? हमारे बिहार के लोग कब तक मार खाते रहेंगे? अभी 10 दिन पहले हरिद्वार में बिहार के लोग मार खाए थे, किसी ने क्यों नहीं संज्ञान लिया उस समय? क्यों नहीं? उसके पहले गुजरात में मार खाए, उसके पहले महाराष्ट्र में मार खाए, उसके बेंगलुरु में मार खाए, नॉर्थ ईस्ट में मार खाए। कब तक बिहार के लोग दूसरे राज्यों में मार खाते रहेंगे? आप इस पटना एयरपोर्ट पर आइए, देखिए पंजाब के लोग आपको पीछे दिख रहे हैं। यहाँ पे अभी जिस फ्लाइट से मैं जा रहा हूँ उसमें 90% जो है चेन्नई के लोग, तमिलनाडु के लोग होंगे। हम कभी किसी को मारते हैं क्या? हमारा दिल सबके लिए जो है बड़ा रहता है, फिर हमारे साथ राजनीति क्यों होता है? और उनके बैंक अकाउंट से 42 लाख रुपए जब्त हुए थे। हालांकि यहाँ पे इन्होंने पूरा ट्वीट करके ये जानकारी दी है। वही इस ट्वीट में कहा गया है कि युवराज सिंह राजपूत के विरुद्ध माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी हेतु वारंट प्राप्त किया गया है। आज के डेट में जो बंदा यूट्यूब पर इतना वायरल हो, मिलियन में सब्सक्राइबर हो, 6 से 7 चैनल हो और सारे वीडियोस पे व्यूज लगभग मिलियन में हो, ऐसे में 42 लाख रुपए मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे, पॉकेट में जितना पैसा था सारा पैसा इस बच्ची को दे दिया मैंने। ये कौन? मेरी अपनी बहन है, लेकिन ये अगर इसका हाथ काटेंगे और मेरा हाथ काटेंगे तो दोनों का खून जो है वो लाल ही होगा। सरकार कुछ मदद उदद करता है कि नहीं आप लोगों का? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं मदद। सिर्फ इस देश के 10% सक्षम लोग ऐसे ऐसे लोगों का मदद करेंगे ना, और अपनी संपत्ति का सिर्फ 10% मदद कर देंगे ना, तो हम पूरे देश का हालात बदल सकते हैं। और जब लोग रोते थे तो उनके आंसू पोंछने, उनकी मदद करने और आवाज उठाने मनीष कश्यप जाते थे। सुनिए सुनिए,
तो आप लोग पहले बुझा क्यों नहीं रहे आग को? लेकिन जब आज मनीष रो रहे हैं, उनको आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। आप सिर्फ ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करवा रहे हैं। अगर आप उनका सपोर्ट करना चाहते हैं, फोन उठाइए, कैमरा खोलिए और एक छोटी सी वीडियो बनाइए और हैशटैग आई सपोर्ट मनीष कश्यप लिखकर हर सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और पहुंचाइए सच तक चैनल वालों के पास। और सच तक न्यूज विनती है कि इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करें और कम्युनिटी में शेयर करें ताकि मेरी आवाज़ पूरे देश दुनिया तक पहुंच सके। जय हिंद।